Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine, enjoying the class on this digital platform. So today I welcome you in today's class, and I will be teaching you part 6 of reported speech. I have finished teaching you till part 5. So let's continue part 6. So today in this session I will be discussing with you about the rules of changes in adverbs when we are changing the direct speech to indirect speech. What are the rules applicable in the case of adverbs? Okay, so I will be teaching you the rules of changes in adverbs first. When we convert direct speech to indirect speech, the words that expresses time or place, nearness are changed. क्या है, जब हम direct speech को indirect speech में convert करते हैं, change करते हैं, जो words time या place से जुड़ा हुआ है, time से जुड़ा हुआ है और place से जुड़ा हुआ है, और जो nearness बताता है, दूरी बताता है, वो दूरी में बदलाव होता है. ठीक है, जो शब्द टाइम और प्लेस से रिलेटेड है तो उसमें नियरनेस, नियरनेस का मतलब होता है दूरी, तो दूरी चेंज हो जाता है. कैसे, एक सेंटेंस देख लो. ही सेड, this pen belongs to me. ये एक डायरेक्ट स्पीच है, एक सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है. ओके, ही सेड दिस पेन बिलोंग्स टू मी. ठीक है, अब इसको इंडाइट करने के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं देख लो, उसी से पता चल जाएगा कि टाइम और प्लेस में जो दूरी होता है ये किस प्रकार बदलता है. ओके, ही सेड दैट दैट पेन belongs to me, belongs to him है. He said that pen belongs to him. Him का him ही रहेगा. तो दो बार that आ गया, confused मत होना. ये जो that आया this के लिए आया. ठीक है, clear? Clear हुआ? अच्छा, एक और example देता हूँ. हम लोग डायरेक्ट स्पीच में दिस के यूज करते हैं और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट, वही नियरनेस का मतलब हुआ. दिस विल बिकम दैट, दिस विल बिकम दोज, अगो टाइम है, अगो विल बिकम before, yesterday will be changed to the day before, अब समझ में आया, this that हो जाएगा, this those हो जाएगा.
ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नियरनेस, दिस दूरी बढ़ जाएगा नहीं, दिस की बात कर रहे हैं तो दिस वाला नजदीक है, दिस जैसे ये दिस पेन, आई राइट विद दिस पेन, अगर मैं बोलता हूं आई राइट विद दिस पेन, आई सेड आई राइट विद दिस पेन, या ही सेड, सॉरी ही में आ जाओ, ही सेड आई राइट विद दिस पेन, उसी का बात कोई और कहेगा तो क्या कहेगा, ही सेड दैट ही राइट्स, ही रोट, राइट का रोट हो जाएगा, ही सेड दैट ही रोट विथ दैट पेन, तो दिस वाली बात नहीं आएगी। तो दूसरा आदमी देखो, ए ने बी को कहा कुछ बात, ठीक है, और बी क्या है, सी को बताएगा, तो अपने वर्ड्स में जो बताएगा तो यहां नियरनेस जो होता है, जो दूरी हो जाता है, चेंज हो जाता है, दिस दैट हो जाएगा, दिस दोज हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीज देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ एडवर्ब्स, चेंज ऑफ एडवर्ब्स देखो बेटा, नाउ जो है, ये नाउ इस शब्द जो है, नाउ ये क्या है, एडवर्ब है, नाउ क्या है, एडवर्ब है, इट विल चेंज टू देन, ये देन में बदल जाएगा, ये देन में बदल जाएगा, इसको स्पीच मार्क्स में लिख रहा हूं ये दर्शाने के लिए कि नाउ किस प्रकार देन में बदलेगा, नाउ विल बी चेंज टू देन, ये रूल है, ठीक है, अगो विल बी चेंज टू बिफोर, जैसे मैं यहां लिखा हूं, अगो विल चेंज टू बिफोर, यस्टरडे विल बी चेंज टू द डे बिफोर, ठीक है, टुडे विल बी चेंज टू दैट डे, टुडे जो है, ये टुडे की बात हम लोग कर रहे हैं, इट विल बी चेंज टू दैट डे, ये मैं बस इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा हूं तुमको क्लियर करने के लिए, टुमारो विल बी चेंज टू द नेक्स्ट डे, टुमारो किस में बदल जाएगा, नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, रूल है, दिस इज रूल ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एडवर्ब्स में किस प्रकार से बदलाव होगा, ठीक है, टुमारो क्या है, ये नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, या टुमारो में देखो, टुमारो के लिए तीन वेरिएबल्स है, द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा, यहां आएगा, ठीक है, टुमारो विल बी चेंज टू द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, याद रहेगा, ये सब याद करना होगा, ऑल दिस यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज यू विल बी गिवन चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, देन यू हैव टू यूज दिस थिंग्स इन केस ऑफ एडवर्ब्स, ओके, नेक्स्ट, यू सी, yesterday will be changed to the previous day, the day before, मैं बोला था yesterday किसमें बदल जाएगा, previous day or the day before, I'll give some examples, it will become clear, okay, some examples I'll be giving you, yesterday will be changed to the previous day, yesterday किसमें बदल जाएगा, previous day, the day before, this is rules of changing adverbs in case of reported speech, okay, next week will be changed to the following week, मैं बोला था अभी, next week जो है following week में बदल जाएगा, ठीक है, next month will be changed to the following month, next month किसमें बदल जाएगा, the following month में, this week will be changed to that week, this week that week में बदल जाएगा, ठीक है, दिस विल बी चेंज टू दैट, हियर विल बी चेंज टू देयर, दिस विल बी चेंज टू दोज, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड,
कम हियर. नहीं, कम हियर से दूसरा सेंटेंस देता हूं मैं. आगे बढ़ते हैं तो हम बताते हैं. हियर विल बी चेंज देयर, दीज विल बी चेंज टू दोज. तो दीज का भी एग्जाम्पल्स हम दिए हैं ना. हियर का भी एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं. ही सेड यू स्टैंड हियर. इंपरेटिव का मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं. हाँ, जैसे ही सेड स्टैंड हियर. तो ये इंडायरेक्ट में हो जाएगा. ही सेड, हाँ, ही सेड टू स्टैंड देयर हो जाएगा. ठीक है, हियर इज चेंज टू देयर. ठीक है, जहां नजदीक की बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी हो जाती है, दूरी मेंशन करना पड़ता है. जितना प्लेस या प्लेस का प्लेसमेंट होता है नजदीक का, वो हम दूरी से उसको फिर दूरी से रिलेट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. ये कैसे कैसे होगा आगे चल के मैं एग्जांपल में बताऊंगा. ओके, सो दीज विल बी चेंज टू दोज. ओके, दीज क्या है, नजदीक वाला बात है. दोज क्या है, दूर वाले बात है ना. फॉर एग्जाम्पल यू सी, यहां एग्जाम्पल दिए गए हैं. सी सेड आई एम प्लेइंग आउटसाइड नाउ. देखो अभी क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से. ये टाइम से रिलेटेड है. नाउ क्या है, टाइम से रिलेटेड है एडवर्ब जो है ना. सी सेड आई एम प्लेइंग आउटसाइड नाउ, अभी की बात हो रही है. तो नाउ विल बी चेंज टू देन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. देखो यहां तो दैट यहां आ गया है. ही सेड दैट, यहां देखो आई जो है, सी सेड आई एम प्लेइंग आउटसाइड. तो सी सेड आई या सी में बदल जाएगा, तो यहां सी आ गया है. एम या वॉज में बदल जाएगा. ठीक है, सी सेड दैट सी वॉज प्लेइंग आउटसाइड देन, और यहां नाउ देन में बदल जाएगा. तो चेंजेस देख रहे हो, एक दैट कंजंक्शन आ गया है. आई जो है सी में बदल गया, एम वॉज में बदल गया, प्लेइंग आउटसाइड का वर्ष रह गया, और यहां समय जो है नाउ ये देन में बदल जाता है. सो यही है नियरनेस, ये नियरनेस शो करता है. नाउ ये दोनों नाउ और देन में, नाउ का मतलब अभी की बात हो रही है, देन का मतलब तब. ठीक है, मतलब कि सी से आई एम प्लेइंग आउटसाइड नाउ, ये कही, ये इसको कही. ठीक है, क्या कही कि आई एम प्लेइंग आउटसाइड नाउ. तो ये क्या करेगी, इसको बताएगी रिया को. ठीक है, मुस्कान बताएगी रिया को जो बात सृष्टि ने कही है. तो ये रिया को क्या बताएगी, सी सेड दैट सी वॉज प्लेइंग आउटसाइड देन. उसकी बात को बता रही है, अभी का बात नहीं है. तभी देन हो जाता है, भले थोड़ी देर बाद ही बात हो, नाउ वाला बात नहीं हो रहा है. ठीक है, तो नाउ विल बी चेंज टू देन. दिस इज रूल्स ऑफ एडवर्ब्स, हाउ टाइम टाइम और प्लेस में जो भी बात होता है, नियरनेस की बात होती है. ठीक है, वो उसमें बदलाव होता है. सी सेड इट इज रेनिंग नाउ, या फिर नाउ का उपयोग हुआ है टाइम का. सी सेड इट इज रेनिंग नाउ, सी सेड इट वॉज रेनिंग देन. तो इट का इट ही रह जाएगा. ठीक है, सी सेड दैट का यूज नहीं हुआ है, उतना जरूरी नहीं रहता है. कहीं कहीं दैट का यूज नहीं भी हो सकता है. इज वॉज में बदल गया, रेनिंग का रेनिंग रहा, नाउ का देन हो गया. सी सेड इट वॉज रेनिंग देन, दैट भी लगा सकते हो. सी सेड दैट इट वॉज रेनिंग देन. ओके, नो प्रॉब्लम. यहां दैट भी लगा सकते हो, और दैट नहीं भी लगाते तो वैसे कुछ सेंस खराब सेंस नहीं बन रहा है. ओके, सेंटेंस का. नाउ यू सी, सी सेड आई गॉट अ न्यू ड्रेस टुडे, आज की बात हो रही है.
शी सेड आई गॉट अ न्यू ड्रेस टुडे, तो आई यहां आया है, यहां शी से शुरू हुआ तो शी हो मिसी में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है, ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है कि नहीं? आई गॉट ए न्यू ड्रेस टुडे, ये क्या है, कौन से टेंस की बात कर रहा है? पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस को हम लोग इसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट टेंस इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट इन द केस ऑफ टेंसेस। टेंस का हम पढ़ाया ना तुम लोगों को, तो पास्ट टेंस किसमें बदल जाता है, मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किसमें बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे टेंस भी देखो, टेंस में भी बदलाव हुआ है, हाँ टेंस में बदलाव हो रहा है। सी सेड दैट शी हैड गॉट अ न्यू ड्रेस दैट डे, तो गॉट की जगह हैड गॉट आ गया और आई की जगह शी आ गया और दैट कंजंक्शन लग गया कनेक्टिव, ठीक है। गॉट ए न्यू ड्रेस दैट डे, टुडे विल बी चेंज टू दैट डे, टुडे विल बी चेंज टू दैट डे, याद रखना है ये रूल है। सो सेंटेंस हो गया शी सेड दैट शी हैड गॉट ए न्यू ड्रेस दैट डे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच की बात जब हम करते हैं तो सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को कहा, मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कहता है, तब जाके इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। नाउ यू सी कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। अब देखो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट क्या है। कमांड्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। कमांड्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, आदेश देना। और रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना, पोलाइटली, पोलाइटली प्लीज भी ये शब्द आ जाता है इसमें, प्लीज भी आ जाता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है पोलाइट, पोलाइटली जो बात कहते हैं किसी को, बोलते हैं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, बोलते हैं ना प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वो क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। गेट आउट ऑफ दिस क्लास, ये ऑर्डर हो गया। स्टैंड अप, ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब इसी कमांड्स एंड रिक्वेस्ट में इंपेरेटिव सेंटेंसेस आता है, ठीक है। जहां कमांड्स और रिक्वेस्ट की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इश्यू ए कमांड और इंस्ट्रक्शन, एक आदेश देते हैं या कोई निर्देश देते हैं, एक आदेश देते हैं या निर्देश देते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। कमांड सेंटेंस रिक्वेस्ट ए इंपेरेटिव सेंटेंसेस का ही एक अंग है, ठीक है। सो मेनली हम बात करेंगे लेकिन यहां ऊपर में कमांड्स एंड रिक्वेस्ट की बात हुई है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में टू इश्यू अ कमांड और इंस्ट्रक्शन। कमांड का मतलब ऑर्डर और रिक्वेस्ट का मतलब कोई विनती करना, कोई सजेशन देना, कोई एडवाइस देना, वो सब किस में आ जाता है? इंस्ट्रक्शन में। ओके क्लियर, कोई डाउट? जैसे मेक ए रिक्वेस्ट इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है, मेक ए रिक्वेस्ट एक विनती करना, ठीक है ठीक है। ही सेड फॉर एग्जाम्पल, देखो He said, please give me a cup of tea. ये क्या हुआ? कमांड हुआ कि रिक्वेस्ट हुआ? रिक्वेस्ट हुआ। तो ये हो जाएगा, इसका इंडेक्स भी बना देता हूं, He requested for a cup of tea. या for भी आ सकता है, He requested for a cup of tea. ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिम, हिम भी लिख सकते हो, माने वो किसी को तो कह रहा है, तो यहां हिम भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, हिम भी लिख सकते हो, ठीक है।
क्लियर। नाउ यू सी ऑफर एडवाइस, एडवाइस क्या हुआ, कौन कहेगा, एडवाइस देना, सलाह देना, सलाह मशवरा देना, ठीक है, सलाह देना, किसी को अच्छी सलाह दी जाती है, ओके किसी को सलाह दी जाती है, डोंट रोम इन द हॉट सन, वो एक तरह से वार्निंग भी हो जाता है, सलाह भी हो जाता है, ओके यू मस्ट वर्क हार्ड, ये क्या हुआ, सलाह देना हुआ ना, यू मस्ट वर्क हार्ड, अच्छी बात बता रहा है तो सलाह ही दे रहा है ना। गिव सजेशंस, सजेशंस का मतलब सुझाव देना, एडवाइस का जैसा ही होता है सजेशन, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, सजेशंस का मतलब सुझाव देना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। आई विल कम, यू सी फॉर एग्जांपल शट द डोर, ये क्या है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर या कमांड है, ठीक है, डोंट ओपन द विंडो, ये क्या है, ये भी ऑर्डर ही है, ऑर्डर ही है, ऑर्डर या कमांड ही है, प्लीज ओपन द डोर क्विकली, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, गेट आउट ऑर्डर या कमांड है, ठीक है, हम किसी को बोलेंगे गेट आउट, गेट लॉस्ट, डोंट शो योर फेस टू मी अगेन, ऑल दीज आर ऑर्डर्स। हाँ, अगर मैं बोलता हूं प्लीज सिट क्वाइटली, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट मूव, क्या है, रिक्वेस्ट है, डोंट मूव, ऑर्डर हो गया, प्लीज लगने के बाद वो रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ओके, नाउ यू सी रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू ऑर्डर्ड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इंपरेटिव सेंटेंसेस में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये ऑर्डर्ड में बदल जाता है, सेड हम लोग लिखते हैं ना, ही सेड टू हिम, तो ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हिम, सेड लिखते हैं ना, ही सेड टू हिम, तो ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हिम, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो जब हम चेंज करते हैं इंडेक्टिव स्पीच में तो ऑर्डर्ड हो जाता है, ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये क्या हो गया, इंडेक्टिव स्पीच हो गया, जो कि ही सेड गेट आउट ऑफ द क्लास, अगर मैं यहां लिखता हूं, देखो बेटा, ही सेड गेट आउट ऑफ द क्लास, तो प्यार से थोड़ी बोल रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हिम, लगा देना या हर लगा देना जो भी है, ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट ओके क्लियर। Now you see, so reporting verb we change to ordered, commanded, कोई commander है अपने army के जवान को, जब आदेश देगा तो commanded हो जाएगा, okay, the army officer commanded his men to march forward, ये indirect में बताया, indirect बताया हूं, direct क्या हो जाएगा, the army officer said, march forward,
है तो उसको ऑर्डर में बदल देना है या कमांडर में बदल देना है। सो कमांडर जो होता है खास करके कमांड करता है, वो आदेश और भी जो आदेश होता है ना और भी कड़ा रहता है। एडवाइस रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइस में बदल जाता है, टोल में बदल जाता है, रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, सजेस्टेड में बदल जाता है, फॉरबेड में बदल जाता है, एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। आस्ट में भी बदल जाता है, आस्ट में भी बदल सकता है, लेकिन यहां जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो यूज होने वाले वर्ड से ही सब है और भी होंगे। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरबेड का मतलब क्या होता है मना करना, ये फॉरबिड से ही फॉरबेड बना है, ठीक है। फॉरबिड का पास्ट टेंस होता है फॉरबेड। एज पर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस प्रकार सेंटेंस का मीनिंग होगा उसके अनुसार ये सब का यूज होता रहेगा। ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइस, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड, सब सेड से ही बदला है। जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ना उसी से बदल के इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब बन जाएगा, ये सब लगेगा। ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइस, टोल्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड और भी बहुत सारा चीज है। ओके, द टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, और इंपरेटिव सेंटेंसेस में टेंस नहीं बदलता है, टेंस नेवर चेंजेस। ओके, टेंस नहीं बदलता है। वी यूज टू बिफोर द वर्ब, टू का यूज करते हैं हम लोग, वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस टू इज रिमूव्ड, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस जहां नेगेटिव सेंटेंस होता है टू इज रिमूव्ड एंड टू इज प्लेस्ड आफ्टर नॉट, वहां से टू हट जाता है और टू कहां प्लेस किया जाता है आफ्टर नॉट के बाद, हाँ नॉट के बाद टू का प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वहां से टू हट के नॉट के बाद लग जाता है। क्लियर, किसी को डाउट? सो दिस इज द लास्ट स्लाइड टुडे सेशन। यू सी फॉर एग्जाम्पल, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल था, मैं भी कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं तुम लोग सामने। ही सेड गिव मी सम मनी प्लीज, वो विनती कर रहा है, पैसा मांगना है तो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्यार से ही मांगते हैं। तो क्या हुआ, गिव मी सम मनी प्लीज, ही रिक्वेस्टेड मी, तो ये जाहिर है कि मुझे ही बोला होगा। ही सेड का मतलब क्या, मुझे ही बोला होगा, पहले अपने आप पे लेना है, ठीक है, यहां कुछ नहीं दिया हुआ है। ही सेड टू हिम, ही सेड टू देम नहीं दिया है तो अपने ऊपर लेना है, ठीक है। सो ही सेड टू मी मान लो लिखा है तो क्या हो जाए, ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, यह विनती कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। तो यहां क्या लगा है, यहां सेड, सेड का जगह रिक्वेस्टेड मी आ गया है, ठीक है, माने रिक्वेस्टेड आ गया है और मी का जगह यहां मी आ गया है, ठीक है। ओ नहीं, मी का जगह नहीं है, सॉरी, वन मिनट, इसको मिटाने दो, यहां ध्यान देना, रिक्वेस्टेड आया है सेड के जगह, सेड के जगह रिक्वेस्टेड आ गया है, विनती वाली बात है, ठीक है। तो मुझे रिक्वेस्ट किया, ठीक है, टू गिव हिम सम मनी, तो टू लगेगा, मैंने बताया था वर्ब से पहले, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी, कहीं कुछ चेंजेज नहीं हुआ, टू गिव हिम, ही का जगह हिम आ गया यहां पर, ओ ही का जगह यहां हिम आ गया है, ठीक है, ये रूल है। He requested me to give him some money. ठीक है, Now she said to me, open the door. She said to me, she ordered me to open the door. तो said to me, said to me का जगह क्या आ गया, ordered me. ये said to me है, इसके जगह क्या आ गया है, ordered me. और यहां to लग गया है और बाकी वैसे ही है, ठीक है, बाकी जो यहां पर है ये उतार देना है, टू ओपन द डोर, क्लियर। आई सेड टू हिम,
प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसे कहा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेड टू हिम जो है ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम टू आ जाएगा जो रूल के अनुसार यूज करना है, टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सारा चीज वैसे ही उतार देना है, ठीक है। आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक, आई सेड टू माई फ्रेंड मैंने अपने दोस्त से कहा प्लीज लेंड मी योर बुक, खत्म कर देंगे ये हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेंड मी हर बुक। ओके यू सी द चेंजेस, यहां रिक्वेस्टेड आ गया, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहा, यहां टू लग गया, ठीक है, प्लीज हट गया, प्लीज हटने के कारण रिक्वेस्टेड आया है, ये मैं बोलने भूल गया, प्लीज हटाने के कारण रिक्वेस्टेड आया है, टू लैंड हिम लैंड मी हर बुक। ओके सी द लास्ट वन, शी सेड टू हिम डोंट वेस्ट योर टाइम, ये मना कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। तो मना करना मतलब से एडवाइस, इसमें एडवाइस लगेगा, सेड टू हिम का जगह क्या लगा है एडवाइज्ड हिम, शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, नेगेटिव है, नेगेटिव में मैं बताया था नॉट के बाद टू लगेगा, शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके क्लियर, आई होप टुडेज दिस टॉपिक इज क्लियर बिफोर यू, all of you might have understood very well, so I will be discussing on this topic reported speech again in the next class. Thank you.